नमस्कार, मैं जनमत सीएम गौतम और खबर आ रही है कश्मीर से कि जहां के हालात दिनों दिन सामान्य होते जा रहे हैं और इसकी गवाही दी है वहां पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों ने। कश्मीर को लेकर जिस तरीके से बातें हो रही थी और भारत के मीडिया जो वामपंथी मीडिया है या फिर पाकिस्तान, दो ही ऐसी बातें थी जो कश्मीर को लेकर हालात के सुधरने के बजाय ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर के हालात जो हैं वो खराब हैं। लेकिन अब जिस तरीके से विदेशी पर्यटकों ने भी बता दिया है कि कश्मीर के हालात जब से धारा 370-35 से हटाई गई है तब से वहाँ के हालात बेहतर हुए हैं, और विदेशी पर्यटकों का ये मानना है कि पहले जिस तरीके की पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी या दहशतगर्दी के कारनामे होते थे उसकी वजह से हमें डर लगता था कहीं भी गलियों या सड़कों पर घूमने में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें सुकून है और इसका हम लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल जब से 5 अगस्त से 370-35 के वो प्रावधान खत्म किए गए हैं तब से अब तक करीब 1000 विदेशी पर्यटक जम्मू कश्मीर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, और उसके अलावा जो रेल लाइन है या जो रोड के द्वारा जाने वाले पर्यटकों की संख्या अलग से है। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो अभी मौसम चल रहा है ये उनके लिए बहुत अच्छा है और अभी वो बहुत ज़्यादा इसमें आनंद ले रहे हैं क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और उसकी वजह से जो होटल हैं या हाउस बोट हैं वो बहुत आसानी से सस्ती दर पर उनको मिल जाते हैं। पहले जिस हाउस बोट का किराया करीब 10,000 हुआ करता था अब वो 2,000 से 4,000 रुपये में उन्हें 24 घंटे के लिए मिल जाता है, जिससे वो डल झील में आराम से पूरा अपना समय बिता सकते हैं और कश्मीर को घूम सकते हैं, श्रीनगर को घूम सकते हैं। और यही कुछ कहना है लेह लद्दाख जाने वाले विदेशी पर्यटकों का भी। उन्होंने भी अपने अनुभव बताए और ये कहा है कि यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि हम वास्तव में दुनिया की एक सबसे खास जगह पर हैं, और जैसा कि माहौल के बारे में पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब यहाँ के हालात पहले से बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हो गए हैं। लोग भी अच्छे तरीके से बात करते हैं और जहाँ तहाँ सेना या सुरक्षा बलों के द्वारा हमसे पूछा भी जाता है कि कोई परेशानी तो नहीं है। निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान के मुंह पर विदेशी पर्यटकों की तरफ से एक बहुत बड़ा तमाचा है जो ये कहने की कोशिश कर रहा था पूरी दुनिया में, चाहे वो UNHRC हो या फिर UNGA हो, जहां पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और वहां के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। लेकिन विदेशी पर्यटकों का ये जो पूरी की पूरी सर्वे रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने माना है कि ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है, और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ करीब 5,000 देसी पर्यटकों के भी श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाने के प्रमाण हैं। तो निश्चित तौर पर वो भी इस पूरे जो कश्मीर घूमने का जो पर्यटन का आनंद है उसको ले रहे हैं, और इसको लेकर तमाम लोगों ने अपनी राय भी व्यक्त की है। वहीं लेह के लोगों ने भी कहा है कि हमारे यहाँ भी पर्यटन बढ़ा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लेह लद्दाख में आने वाले लोगों की संख्या थी वो इसराइल से थी, क्योंकि इसराइल के लोगों को लेह लद्दाख इसलिए पसंद आ रहा है कि वहाँ का जो माहौल है वह बिल्कुल उन्हें अपने देश जैसा लगता है और इस वजह से वो वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे अन्य यूरोपियन कंट्री से आने वाले पर्यटक हैं वो खेतों में भी जाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, और किसानों को जब वो फसल काटते हुए या उसमें काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, और उनका ये भी कहना है कि पहले इस तरीके की स्थितियां बहुत मुश्किल से मिला करती थी क्योंकि आतंकवादियों का या उसके बाद होने वाली घटना के बाद पत्थरबाजों का खौफ उन्हें रहता था जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब पूरी तरीके से चूँकि यहाँ पर भारत के सभी कानून लागू हैं इसलिए उन्हें यहाँ आना अब ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और ये किफ़ायती भी है क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा भीड़ न होने की वजह से वहाँ सभी चीज़ों के दाम कम हैं और सारी चीज़ें या होटल हो या दूसरी सुविधाएं हो वो उन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी को लेकर कल एक बयान दिया था जितेंद्र सिंह ने, जो कि जम्मू कश्मीर से ही आते हैं और PMO में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब कर्फ्यू लगा हो, जबकि कांग्रेस पार्टी या पाकिस्तान के पूरे राजनीतिक नेता इमरान खान से लेकर शाह महमूद कुरैशी तक या फिर NDTV टाइप के जो चैनल हैं या द वायर या दूसरे स्क्रॉल जैसे जो मीडिया के
जो विभाग है उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने कल कहा कि कर्फ्यू एक दिन भी नहीं लगाया गया, केवल धारा 144 लगी हुई थी जो कि कर्फ्यू नहीं होता है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि वहाँ बहुत से नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया है, उन्हें कैद में रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि वो न कैद है न नज़रबंद किया गया है, बल्कि उन्हें एक पाबंदी के तौर पर रखा है, क्योंकि उनके जो पिछले बयान थे वो भड़काने वाले थे और जिससे माहौल ना ख़राब हो इसलिए उन्हें थोड़ा सा निगरानी में रखा गया है और वो वहाँ पर मेरे से ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, जितना मैं अपने घर पर मेरा सत्कार नहीं होता है उससे ज़्यादा उनका वहाँ सत्कार हो रहा है। कई नेता तो हॉलीवुड फिल्मों की मांग करते हैं, कोई ब्राउन ब्रेड खाने की बात करता है, इस तरीके की फरमाइशों के साथ वो वहाँ पर आनंद से जी रहे हैं और केवल दुनिया को बरगलाने के लिए वो झूठे साँचे बयान डालते रहते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बयान भी पूरी तरीके से उस प्रेस्टिट्यूट मीडिया के वर्ग को, कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं को जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ के हालात ठीक नहीं है, या फिर पाकिस्तान रूपी उस नापाक देश को भी एक तरीके से बेनकाब करते हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की कोशिशें अभी भी जारी हैं और वो हर वो मौके को चूकना नहीं चाहता जिसके द्वारा वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र या गलत तरीके की गतिविधि को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान अब तक 2000 से ज़्यादा बार जम्मू कश्मीर के जो LOC है उसके ऊपर सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और आज चूंकि शुक्रवार है तो आज वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान स्कार्दू घाटी जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में आती है उस हिस्से में आती है जो कि पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से भारत से कब्जाया हुआ है जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा, वहाँ पर इमरान खान आज एक फिर से रैली करने वाला है और उसके अलावा उसने जो पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों से लाए गए लोग हैं उनको आज LOC तक मार्च करने के लिए बोला है और ये सभी लोग LOC पर आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और उन्होंने हर तरीके की हरकत का जवाब देने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करके ये दिखाना चाहता है कि अगर वो लोग वहाँ से कुछ पत्थरबाजी करेंगे और उसके जवाब में अगर भारत की सेना गोलीबारी करती है तो वो पूरी दुनिया को ये कहने की कोशिश करेगा कि भारत की सेना सीमा पार के लोगों पर बेकार में गोलीबारी कर रही है, उनमें दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि उकसाने की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से ही की जा रही है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि इन लोगों को पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों से लाया गया है और उन्हें वहाँ ठहराया गया था, उसके बाद उन लोगों से मार्च कराया जाएगा जिनकी संख्या लाखों में है। निश्चित तौर पर PAK के या फिर गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस तरीके की जो गतिविधियाँ हैं उनमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब हो या दूसरे बजरिस्तान जैसे इलाके हों, वहाँ से लोगों को लाकर इस तरीके के प्रदर्शन कराने की कोशिश पाकिस्तान की सरकार कर रही है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान कर रहा है और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत के खिलाफ इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाए, इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए। यही वजह है कि पिछले 60 दिनों में चौथी बार इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान या POK का दौरा कर रहा है। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पाकिस्तान का इस तरीके से सालों में भी एक दो बार दौरा किया करता था, लेकिन जब से 370 और 35A के प्रावधान हटाए गए हैं तब से इस तरीके के दिखावे के दौरों की संख्या बढ़ गई है और ख़ासकर LOC पर जाकर इस तरीके की बातें करना ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की हर उस नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत की सेना, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल तैयार हैं और इसको लेकर सीधे तौर पर सेना की तरफ से कहा भी जा चुका है कि हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वहीं वायुसेना अध्यक्ष RK भदौरिया भी कह चुके हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा से एयर स्ट्राइक जैसी जो हमारी रणनीतियाँ हैं उनको अपना सकते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए और भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है, पूरी तरीके से इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके की जो हरकतें होने वाली हैं LOC के पार में और वो जो लोग आकर वहाँ नारेबाजी करेंगे और हो सकता है वहाँ से कुछ और भी उकसावे वाली हरकतें करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इस पूरे के पूरे
क्षेत्र में विवाद पैदा किया जाए और उस विवाद के नाम पर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करके भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाए। लेकिन इस तरीके की पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब हम देते रहे और दे रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार बार बार संयम बरतते हुए इसको चेतावनी देती आई है और कूटनीतिक स्तर पर इसको लेकर पूरी दुनिया के सामने हमने पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको भी रखा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के तमाम जो अन्य तंजीमें या संगठन हैं जो कि पाकिस्तान में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में अपना राग अलापते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार उनकी नहीं सुनती है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान या पीओके के तौर पर है, जहाँ के लोगों को जो भी परेशानियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तान की सेना की वजह से है, उसके बावजूद पाकिस्तान उसी इलाके के लोगों का नाम लेकर ये सारी बातें करने की कोशिश करता है, जबकि उसके पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, कर्जे से लोग परेशान हैं और पाकिस्तान की सरकार की नीतियों से परेशान हैं। निश्चित तौर पर इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत की सीमाओं के अंदर से है और अगर वहाँ कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हमारी सेना और सुरक्षा बल हर समय तैयार है। जय हिंद, जय भारत।